वेलकम टू वन बी स्टारकेड, मैं हूँ अमर। सो यार, एमसी इनसेन के एटलीस्ट मैं 4 सॉन्ग्स पे रिएक्शन रिव्यू कर चुका हूँ, और जो एल्बम है द फील एल्बम, वो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग और डिप्रेसिंग और मतलब हार्ट ब्रेक वाली है। यार ये बंदा बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड है, इसके सॉन्ग से पता चलता है। और मतलब इस बंदे को ना सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, राइट? और आप सभी मुझे इतना प्यार दिखाते जब भी मैं एमसी इनसेन की वीडियोस पे रिएक्शन रिव्यू करता हूँ, स्पेशली मुझे असम से बहुत प्यार मिलता है। तो फटाफट से ये सॉन्ग करते हैं जिसका नाम है हर्ट मी। मतलब यार ये भी मतलब हर्ट वाला है। तो फटाफट से गाना सुनते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अरे हथकड़ी, बाप रे। आके यारा चेहरा मेरा दे, जो है दिल में वही दिखता इस पे दे। Fake love, fake hope, those मेरे goals, ये emotions करते hurt मेरे को। मेरे पापा मेरे कंबल बने सर्दी में, देने को एक lifestyle खुद जले वो गर्मी में। करना proof बस एक मौका दो मेरे को, ये इमोशंस करते हर्ट मेरे को। पहले था मैं उनका बच्चा, अब वो पूछे नहीं। मैं नहीं कर पाया जो चाहे वो मैं क्या करूं, सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते ऊंचे नहीं। शर्म आती उनको जब मैं कहता रैपर हूँ। बाप रे, शर्म आती है मैं कहता उनको रैपर हूँ। यार ये जो फील एल्बम है ना, सच में ये आपको अगर नहीं रुलाया हुआ तो आपके पास दिल नहीं है। क्या है ये बंदा, बहुत चीज़ों से गुजरा है ना। और इसमें तो मतलब प्रॉपर हर्ट कर रहे हैं इसको, मार मार। आई कैन नॉट सी इट मैन, दिस रैपर नीड्स अ लॉट ऑफ लव। और हम सभी को प्यार करना चाहिए ऐसे लोगों को, है ना, बिकॉज ही इज अ जेम, अ वेरी जेम रैपर। मुझसे उम्मीद रखते काफी लोग, ये काफी है। मेरे फीलिंग्स मेरे खुद के ऊपर हावी है। मुझे करना था वो जो किसी ने करा नहीं, तभी सबको लगे मुझ में ही खराबी है। मैंने उसकी दी हुई यादों को फेंका नहीं, उसमें जो था देखा और किसी में देखा नहीं। अकेला नहीं रह पाया तो करता दिल से मिस, पहले सपना था तुम होगी फ्यूचर मिस्टर रिस्क। काफी अरसा बीता पर आया नहीं फोन को, तेरी फोटो रख के देखा करता फोन को। दिल ये टूटा है चला के तेरी फोटो को, दिल है मर चुका आजादी दे दो होठो को। कभी आके यारा चेहरा मेरा दे, जो है दिल पे वही दे। रोना आ जाता है इसके यार गानों में, सीरियसली। ये इमोशंस करते हर्ट मेरे को। मेरे पापा मेरे कंबल बने सर्दी में, देने को एक लाइफस्टाइल खुद जले वो गर्मी में। करना प्रूफ बस एक मौका दो मेरे को, ये इमोशंस करते हर्ट मेरे को। बाप रे, वो लड़की अलग ही मजे ले रही है उसके। वो डिप्रेस लेटा हुआ है बेड पे, हाथ घुमा रही है यहाँ पे, क्या कर रही है? It's
कोई नहीं भाई अभी गरीब फिर भी ये खुश अच्छा नसीब बनाने से होता पर मैं ज्यादा रोता देखा सभी को नहीं होता भरोसा तो सभी को देखा और सीखा जो देखा वो लिखा ये मेरा तरीका सुनाते है बात कोई मीठा कोई तीखा ये फालतू की कीका ये बता जितना मैं चाहता कोई जा भी नहीं सकता जितना मैं रोया कोई रो भी नहीं सकता रहता है पास जब रहता है पैसा जो करता है जैसा वो सहता है वैसा लोगों के जहन में क्यों मेरा कचरा रैप कैप पूछने पे कहते हैं लफड़ा यानी कि बीफ ये कैसे भाई गलत सोच तुमने फैलाए वीडियो में जॉर्डन से दूसरों का लाते खुद का बचाते ये दूसरों का खाते असली को ये आगे जाने नहीं देते हारने का दम नहीं तो मारने की प्लानिंग है फिर से करो प्लानिंग ये वाला फेल नहीं करते इज्जत क्योंकि डिग्री फेल सर झुकता घर का जब लेते मेरा नाम सब होगा ठीक मैं कर रहा वो काम मत कर स्लोमो चीते सब भाग मत सोच कौन देगा चीते को आग मत सुना कुछ भी ये दुनिया नहीं समझेगी ये वाला जो अभी ये प्रॉपर एक मिनट से जो इसका वर्स चल रहा है ना बाप रे अभी मैंने पॉज किया मेरे कान फिर भी बज रहे हैं बहुत सॉलिड था ये हैं जिंदगी इनकी बस चलन में गुजरेगी इंटरनेट यूज करते मेरे को यूज करते इंटरनेट सोल्जर्स के मेरे को चूज करते पता है सबको ये कौन कितना पानी मैं जिस सिटी का भाई सच्ची कहानी आज भी मैं वही हूँ मेरी जगह सही हूँ पहले जैसे नहीं है तू तेरी जगह नहीं है तू जान अगर होती तो जान देता सही में सोचती तू जैसा हूँ वैसा तो नहीं मैं गया था मैं भी उस प्यार की अदालत में सब कुछ कह डाला चेहरे की हालत ने कोशिश थी मेरी की रहना साथ नहीं छूना था जिस बस कहनी थी बात बदलते सब एक महीने के बाद सच्चा वाला प्यार है नहीं की बात मतलब सब यहाँ सब करे जज दिखाते हैं झूठ छुपाते हैं सच पैसों को रखता मैं भाई लोग से नीचे भाई लोग ही जलते हैं सब करे हर्ट भाई लोग ही जलते हैं सब करे हर्ट भाई लोग ही जलते हैं सब करे नो एक्सपेक्टेशन सीरियसली कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो भाई सच बताऊं जिस दिन आपने किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रख ली सच बता रहा हूं यू विल बी डिसअपॉइंटेड अगर आप लोग ने ये स्पाइडरमैन का नया मूवी देखा था नो वे होम उसमें उसकी वो गर्लफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड ही पकड़ लो गर्लफ्रेंड ही रहती है टॉम हॉलैंड की उसमें है ना उसमें डायलॉग था ना एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड है सब करे हर्ट सीरियसली यार क्या वीडियो शूट किए यार सीरियसली क्या वीडियो शूट किए है भाई सच में यार क्या है ये इतना इमोशनल सच में यार तभी ये लोग इमो बोलते हैं ना इसके फैंस लोग को सब इमो है सब इमो इसलिए है बिकॉज ये बंदा आपको रुला देगा या तो इमोशनल कर देगा या तो दिल टच करेगा कुछ ना कुछ करेगा ये एमसी इनसेन सच में साला इनसेन है, है? और तभी इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है बिकॉज यार हमारे देश में डिप्रेस लोग बहुत ज़्यादा हैं किसी को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिलती किसी को मतलब घर वाला नहीं पूछता तो है ही सबके साथ सब ऐसे हैं सब ऐसे ही हैं अकेले एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो दिल बहुत टूटता है सच बता रहा हूँ अपने आप रहो अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखो और किसी से मत रखो शूट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किया और ये जो फील एल्बम का जो बीट प्रोड्यूसर है जो फीचरिंग है आई थिंक क्रिस्टो आईफेन एंड जेड वाई इसी ने ही सारे इसके सॉन्ग्स किया आई थिंक एक गाना और शायद बचा होगा फील एल्बम के डोंट वरी उसका भी मैं रिएक्शन रिव्यू ले आऊँगा प्लीज़ मुझे और रेकमेंड करो कि और कौन से एमसी सॉन्ग के मैं वीडियो पे रिएक्शन रिव्यू करूँ अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मैं आपके लिए मज़ेदार जेन्युइन और एंटरटेनिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय